वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं बेड फ्रेंड एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत उया के रिग्रेट से होती है। उसने गुस्से में किंग को बोल दिया कि हम बस बेड फ्रेंड हैं, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब उसे बुरा फील हो रहा था। उया ने सॉरी मैसेज टाइप किया, पर फिर भेजने की हिम्मत नहीं हुई। जेड भी बहुत दिनों बाद ऑफिस वापस आया था। इस खुशी में वो बहुत सारे खाने का सामान भी लेकर आ गया। उया हैरान हुआ। उसने सोचा सारे खाने का सामान वो सबके साथ शेयर करेगा, पर ऑफिस तो कोई आया ही नहीं था। गन भी ऑफिस पहुंचा, साथ साथ किंग भी, लेकिन किंग आज कुछ शांत सा था। उसने जेड का मजाक भी नहीं उड़ाया और शांति से जाकर अपने प्लेस पर बैठ गया। अब जेड को ये हजम कैसे हो सकता है? उसने किंग से पूछ ही डाला, किंग क्या बात है, तुम बड़े शांत लग रहे हो। लेकिन किंग अपनी हरकत से कैसे बाज आए? उसने जेड को बोला, कुछ दिन से तुम ऑफिस नहीं आए तो मैंने सोचा रिजाइन कर दिया है तुमने। जेड ने भी जवाब दे दिया, जब मुझसे एचआर कुछ नहीं कह रहे हैं तो तुम्हारी क्यों इतनी जल रही है, बोलो। फिर जेड किंग से उसके अरेंज मैच के बारे में पूछने लगा। किंग ने बोला, बताने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं। लेकिन जेड के हिसाब से तो बताने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि किंग की माँ और जेड की माँ इस मैटर पर इतनी देर जो बातें करती हैं। किंग अपनी बात क्लियर रखना चाह रहा था ताकि उया को उस पर यकीन हो कि किंग बस उया का ही है और उया के अलावा किंग किसी के बारे में भी नहीं सोचता। वो बोलने लगा, जेड ये फैमिली बिजनेस है और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, इसीलिए मैं तो उनकी बातें भी नहीं सुनता। उनमें बातें चल रही थी और उया वहाँ से बाहर चला गया। उया, किंग और जेड तीनों रेस्टोरेंट आए। जेड ने दोनों के ऑर्डर लिखे। किंग जो हमेशा जेड को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ बातें करता रहता था, आज उसने सिंपल सा वही ऑर्डर दिया जो उया और जेड ने दिया था। जेड को अब सच में किंग की हरकत समझ नहीं आ रही थी। जेड फिर उया से कहने लगा, उया ये बॉस क्रिस तुम्हें बार बार क्यों बुलाते रहते हैं और बहुत देर तक तुम्हारे साथ मीटिंग करते हैं, और इस वीक तो बहुत बार हो गया। किंग और उया का रिएक्शन सेम था। किंग बोलने लगा, उया मैंने बोला है ना तुम्हें, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी डील करता है तो उसे मना कर देना। जेड बोलने लगा, पर वो हमारे बॉस है, उया ऐसे कैसे कर सकता है। उया को फिर बॉस क्रिस ने दोबारा अपने केबिन में बुलाया और इस बार तो हद कर दी। उया को बोला कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने रिव्यू दिए हैं, काम में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। उया के लिए तो ये शॉकिंग वाली बात थी, मतलब बार बार वो लगभग 80% काम कंप्लीट कर लेता है और ये बॉस क्रिस उसे टॉर्चर करना चाहते हैं। उसने परेशानी जतानी चाहिए पर क्रिस ने उसकी बातें नहीं सुनी। एक कॉल आया और वो बात करने में बिजी हो गया। उया इस आदमी के चाल चलन से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो तुरंत वहां से बाहर निकल गया। ऑफिस में आज भी उया ओवर टाइम काम कर रहा था और किंग हमेशा की तरह आज भी उसका वेट करते करते वही सो गया। उया को अच्छा लग रहा था कि किंग कितनी केयर करता है उसकी, लेकिन उसकी खुशी क्रित जैसे बुरी नजर वालों को ठीक नहीं लग रही थी। उया को नेक्स्ट डे भी क्रित ने जल्दी ऑफिस में बुला लिया, उस पर काम का प्रेशर डालने लगा और हर तरह से उया के क्लोज आने की कोशिश करने लगा। उया को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर काम है कैसे अवॉइड करे। उसने क्रित को बोला, बॉस मैंने सबको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके लिए हम कैंपेन नेक्स्ट वीक बैठाएंगे, फिर भी आप मुझसे इतना जल्दी काम क्यों पूरा करवाना चाह रहे हैं। क्रित का बहाना, उया कैंपेन से पहले हमें उनके लिए बैनर बनाने हैं। किंग भी पहुंच गया, क्रित को सुनाने लगा, हाँ और ये बात डेडलाइन एंड होने के एक दिन पहले बता रहे हैं। कितने पुअर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले, शायद वो अपना प्लेस नहीं जानते। क्रित के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा, वो चुपचाप वापस चला गया। उया भी अपने काम में लग गया। किंग ने उसे बोला, उया तुम अपने काम करो, मैं वेट करूंगा तुम्हारे लिए। शाम तक किंग भी उसके साथ ही रुका, फिर उसे बाथरूम लगा तो वो चला गया। उसके जाते ही मौके की तलाश में बैठे क्रित ने उया को अपने ऑफिस में बुलाया, बहाना बनाया कि काम के सिलसिले में बात करनी है, लेकिन उसके इरादे तो ठीक नहीं थे। उया थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि जाए या ना जाए, पर फिर वो उसके ऑफिस चला गया। क्रित के इरादे तो वैसे भी ठीक नहीं थे। सबसे पहले उसने उया को अपनी बातों से फंसाने की कोशिश की। उसे मांगकोल के लिए सॉरी बोला कि शायद मांगकोल को कुछ जरूरी काम है, इसीलिए उसने अपने काम उया को सौंप दिए हैं। उया ने उसे एक रिक्वेस्ट की, मिस्टर क्रित क्या आप मांगकोल को कहेंगे कि वो अपना काम खुद कर लिया करे, क्योंकि मेरे और जेड पर उनकी नाकामी की वजह से बहुत प्रेशर पड़ रहे हैं। और बस घटिया आदमी ने अपनी फितरत दिखाई दी, उया के पैरों पर अपने हाथ रख दिए और वही उया के काम के बदले उया से कुछ चाहिए उसे। उया तुरंत उसके गंदे इरादे समझ गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, पर ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया। क्रित उसे अब्यूज करने की कोशिश करने लगा, उसे प्रमोशन देने का लालच देने लगा। उया को दोबारा वही चीज याद आने लगे जो उसके एक्स और उसके सौतेले बाप ने उसके साथ किया। उया हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। उसने क्रित को एक लात मारी और वहां से भाग गया। बाहर किंग खड़ा था, उसके आंख में आंसू थे। उसने बोला था उया को कि क्रित अगर कुछ भी डील उसके साथ करता है तो उया मना कर दे, पर आज वो अकेले क्रित के केबिन में गया। किंग को अब उया पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन क्रित तो उनके बॉस हैं, उया चाह कर भी कैसे उसे अवॉइड करे। उया अब क्रित से ज्यादा किंग पर नाराज हो गया, क्योंकि किंग ने उस पर भरोसा नहीं किया। उसने किंग को बोला,
किंग तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? और अगर तुम इस तरह से मेरे बारे में सोचते हो तो मुझे लगता है अब हम फ्रेंड भी नहीं रहे। किंग उसे सॉरी बोलने लगा, पर वो उया से डिसअपॉइंट तो हुआ था। उसने बोला, सॉरी उया कि मैं तुम्हारे लिए इतना वरीड हुआ, और वो उया को वहीं छोड़कर चला गया। एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से किंग की नाराजगी और बॉस क्रीत का टॉर्चर, उया के दिमाग में बहुत बुरा असर पड़ा। वो रात भर नहीं सोया। चेट भी उया को देखकर उसकी परेशानी समझ गया कि उया ने ठीक से नींद नहीं ली है। फिर उसने उया को बताया, उया किंग ने मुझे बताया कि ऑफिस बंद होने के बाद भी बॉस क्रीत तुम्हें बार बार बुला रहे थे। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुका। तुम रोज ओवर टाइम काम करते हो, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रुकूंगा। वैसे उया, किंग सच में तुम्हारी बहुत केयर करता है। उया को भी अब बुरा लगने लगा कि कैसे उसने किंग से दोस्ती तोड़ दी। जेड के फोन पर एक दूसरे एम्प्लॉय का मैसेज आया, उसने रिजाइन कर दिया था और अपना रेजिग्नेशन लेटर जेड को भेजा था। जेड समझ रहा था जरूर उसने काम के प्रेशर की वजह से ही रिजाइन किया है, लेकिन फिर क्रीत बीच में ही आ गया और बोलने लगा, जो एम्प्लॉय काम के लायक नहीं है वही तो रिजाइन करेंगे। उया और जेड ने कुछ भी नहीं बोला। क्रीत फिर उया से उसके काम के बारे में पूछने लगा। उया ने उसे बताया, अधूरा है। क्रीत ने उसे जल्दी काम कंप्लीट करने के लिए बोला और वो चला गया। उया को फिर उसके माँ का मैसेज आया, आज वो उया से 3000 बहाट मांग रही थी। उया बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ना ऑफिस में शांति और ना ही घर में। उसने ऑफिस से रिजाइन करने के बारे में भी सोच लिया, रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया, पर जेड भागते हुए उसके पास आया और बताने लगा, उया कहाँ थे तुम? बॉस क्रीत बहुत बुरी तरह से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उया पूछने लगा, क्या हुआ, कुछ अर्जेंट काम है क्या? लेकिन इसके बारे में तो जेड भी नहीं जानता था। जेड और उया फिर बहुत देर तक मीटिंग के बाद अपने टेबल पर वापस आए। घर ने तो उन्हें बहुत मिस किया, अकेले किंग के साथ काम करते करते वो तो बोर हो गया था। लेकिन किंग बहुत नाराज था कि इतनी देर तक किस चीज की मीटिंग होती है, लेकिन उया तो अब चाह कर भी उसे नहीं मना पा रहा था। सब फिर अपने काम में लग गए। वीकेंड के दिन उया की बहन का कॉल आया। उसने उया को बताया, एक आदमी आया है घर पर, वो अपने आप को आपका बॉस बता रहा है, नाम क्रीत। क्रीत का नाम सुनते उया का तो गुस्सा और बढ़ गया। उया सीधे अपने घर पहुंचा। वहां उसकी मॉम बड़े मन से क्रीत की सेवा में लगी थी। उया को देखती ही उनकी हैप्पीनेस डबल हो गई। आज वो उया से भी एकदम बड़े ही प्यार से बात करने लगी थी। उन्होंने उया को भी क्रीत के बगल में बिठा दिया। उसे बताया, तुम्हारे बॉस इधर से गुजर रहे थे, अच्छा हुआ ये हमारे घर भी आ गए। उया तो गुस्से से पागल हो रहा था। उसने क्रीत को वापस जाने के लिए बोला। मॉम को उया के बिहेवियर सही नहीं लगे, पर क्रीत तो बड़ा काम था। मॉम ने उया को उसे बाहर छोड़ने के लिए बोला, पर उया नहीं माना। क्रीत वहां से बाहर चला गया और मॉम अपने तेवर पर लौट आई। उया, वो तुम्हारे न्यू हबी है ना? उया नाराज उसने बोला, मॉम वो मेरा बॉस है। पर मॉम तो क्रीत से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि वो पैसे वाला जो ठहरा, और पैसों के लिए तो मॉम अपने बेटे की बलि देने के लिए भी तैयार थी। उया चिल्लाने लगा, मॉम वो मेरे बॉस हैं, और आपके कहने का मतलब क्या है? क्या मेरे फीलिंग्स आपके लिए कोई मैटर नहीं करते? और आपको तो मेरे गे होने से प्रॉब्लम थी ना? लेकिन भगवान ऐसी मांग किसी को भी ना दे। उस औरत ने उया को बोला, उया मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम क्या हो, कैसे हो, ये सब तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे तो बस पैसों से मतलब है, तुम मुझे पैसे ला कर दो, मैं खुश तुम खुश। उया को इस बात से बहुत तकलीफ महसूस हुई, वो अपनी माँ पर चिल्लाने लगा। मॉम को ये ठीक नहीं लगा कि कैसे ये उया अपनी आवाज उनके सामने ऊंची कर सकता है। सौतेले बाप ने भी उया को रोकने की कोशिश की। उया ने उसे भी डांट दिया कि उससे बात करने में तो उसे घिन आती है। मॉम का गुस्सा बढ़ा, उन्होंने तुरंत उया को घर से निकल जाने के लिए बोला। उया बाहर आया, मॉम भी उसके पीछे पीछे आई और उया को दुनिया भर के गालियां देने लगी। उया ने सौतेले बाप से कहा कि कभी उन्होंने उया के साथ जो किया इस बात के लिए रिग्रेट फील किया है। मॉम को भी बोला कि क्या उन्हें इस बात का कभी पछतावा हुआ है। जब उया ने उसने बताया कि सौतेले बाप उसे मोलेस्ट करते हैं, हमेशा बस वो अपने पति को बचाने में लगी रहती है, कभी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचती और ना ही उसकी फीलिंग्स की केयर करती है। डेट औरत फिर भी नहीं समझी, उसने उया को ही थप्पड़ लगा दिए। उसे ही बोलने लगी, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में इतने कष्ट है, अगर तुम नहीं होते तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती, निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा यहाँ पलट कर मत आना। उया की माँ से ऐसी बातें सुना रही थी मानो सारी गलती बस उया की ही है, वो कैसे पैदा हुआ इसमें उया की ही गलती है। उया तुरंत अपने घर से बाहर निकल गया। पूरे रास्ते भर वो रोता रहा। इधर किंग की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, उसने उया की याद में बहुत सारे बियर के बोतल खाली कर दिए। फिर उया को मैसेज करना चाहा कि वो उसे मिस कर रहा है, पर कमबख्त फोन की बैटरी भी डेड हो गई। उया अपने रूम के बजाय जेड के पास आ गया। जेड के साथ वो कुछ नॉर्मल हुआ तो उसने वापस जाने की बात की। जेड ने भी साथ में जाने की बात की, पर जाने से पहले वो वॉशरूम चला गया। उया ने बॉस क्रीत को कॉल किया, उसे बोला, क्या चाहते हैं आप? क्रीत की वही घटिया डिमांड थी और उसे यकीन था कि उया के पास इसके अलावा और कोई चॉइस है ही नहीं। उया भी ये बात जानता था, अगर वो उसके डील में एग्री हुआ तो भी वो आदमी उसकी हेल्प नहीं करेगा बल्कि उसका फायदा उठाएगा। उसने क्रीत को बोला, आपको लगता है मैं आपके डील में एग्री होऊंगा? आप बस देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। नेक्स्ट डे जेड जल्दी ऑफिस आ गया। उया ने उसे कॉल किया और अपने टेबल पर जाने के लिए बोला। वहाँ उया का रेजिग्नेशन लेटर रखा था। उया ने उसे एचआर को जमा करने के लिए बोला।
जेड थोड़ा वरीड हो गया। उया, तुम ऐसे अचानक से काम क्यों छोड़ रहे हो? उया ने उसे बताया, जेड कल रात मैंने मिस्टर क्रीत को कॉल किया था, पर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि उनका राज बस अपने प्लेस तक ही सीमित है। जेड ने उसे पूछा कि उया कहाँ हो तुम अब? उया ने उसे बताया, आउट ऑफ टाउन। और फिर किंग को भी मैसेज भेजा। किंग थोड़ा लेट से ऑफिस आया। उसने गन से उया के बारे में पूछा। गन को भी उया के बारे में नहीं मालूम था। किंग ने फिर जेड के बारे में पूछा और पता चला वो तो परेशानी वाली शक्ल लेकर कहीं गया है। किंग ने जल्दी से अपने फोन चार्ज में डाले और तुरंत उया का मैसेज दिख गया। उया ने उसे लिखा था, सॉरी किंग, मेरी गलती थी। मुझे मालूम है तुम मेरे लिए वरीड हो, और थैंक यू, तुमने जो भी मेरे लिए किया हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, पर अब हमें फ्रेंड्स विद बेनिफिट बनना स्टॉप कर देना चाहिए। किंग मैसेज देकर मायूस हो गया। गन भी उसकी परेशानी समझ गया, पर किंग ने उसकी बातें टाल दी। तो इसी के साथ बेस्ट फ्रेंड एपिसोड 7 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।